बींग ए स्टूडेंट सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट तब लगता है जब आपको बहुत बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स और बुक्स पढ़नी पड़ती है और उससे भी जरा डिफिकल्ट पार्ट है कि जब कुछ आंसर ढूंढने के लिए आपको आपको बुक खोलनी पड़े पड़े और पेज पेज बाय देखना पड़े। बट इन द एज ऑफ स्ट्रगल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है एक ऐसा टूल इमेजिन करो जो आपके लिए आपकी बुक्स और रिसर्च पेपर्स को पढ़ के और समराइज करके आपके सामने पेश कर दे जिससे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सके अपने क्लासमेट्स के साथ कोलेबोरेट कर सके चीजों को हाईलाइट कर सके कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी समझ सके और

ओपन पीडीएफ पे क्लिक करना है उसके बाद कोई भी एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है वंडर शेयर पी एलिमेंट का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन कमेंट और यहाँ पर आपके सामने सारे टूल्स सा आ जाएंगे सबसे पहले नंबर पर है हाईलाइट इस पर क्लिक करके आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं और हाईलाइट की ट्रांसपेरेंसी को कम या ज्यादा कर सकते हैं मैं इसको बीच में रखूंगा इफ यू वांट टू जूम इन द डॉक्यूमेंट आपको कंट्रोल प्रेस करना है और माउस के स्क्रोल के साथ में आप डॉक्यूमेंट जूम इन कर सकते हैं नाउ लाइट से मुझे ये वाला एरिया हाईलाइट करना है ऑल आई नीड टू डू इज जस्ट क्लिक हेयर एंड सिंपली ड्रैग माई माउस और ये अपने आप स्ट्रेट लाइन में इसको हाईलाइट कर देगा द बेस्ट पार्ट इज कि मेरे हाईलाइट किए गए लाइन्स यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिखने लग जाएंगे एंड आई कैन एक्सेस एनी लाइन एंड एड कमेंट हेयर इसके बाद में अगला फीचर आता है एरिया हाईलाइट का जस्ट लाइक लाइन बाय लाइन हाईलाइट मैं पूरा का पूरा एरिया हाईलाइट कर सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला पार्ट को हाईलाइट करना है आई विल सिंपली क्लिक ऑन एरिया हाईलाइट चूज एनी कलर एडजस्ट एडजस्टमेंट ट्रांसपेरेंसी और सिंपली इसको ड्रैग करना है और ये एरिया हाईलाइट हो जाएगा नाउ इस एरिया के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा एंड आई कैन ऐड एनी कमेंट हेर आई कैन ऑल्सो सर्च माई कमेंट्स लाइक मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और मेरे पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला कमेंट आ गया और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं उनको डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ विथ टेक्स यू कैन राइट एनी थिंग हेयर फॉर एग्जाम्पल मुझे इसके आगे अपना नाम लिखना है आई कैन रोटेट इट आई कैन मूव इट एनी वेयर राइट साइड से इसका मैं फोन स्टाइल कलर्स ये सब चीज़ें चेंज कर सकता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी नेक्स्ट पार्ट इस टेक्स्ट बॉक्स इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पर अपना टेक्स्ट बॉक्स एंटर कर सकता हूँ उसके बाद टेक्स्ट कॉल आउट का ऑप्शन है मैं इस पर क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे कुछ इस तरह से क्लिक करूँगा तो एक कॉल आउट आ जाएगा एंड मैं इसके अंदर कुछ भी एंटर कर सकता हूँ देन मेरे पास में शेप्स ऐड करने का ऑप्शन है मेरे पास में बहुत सारी अलग अलग शेप्स आ जाएंगी आई कैन चूज एनी शेप उसके बाद मेरे पास नोट्स का ऑप्शन है अगर मुझे नोट्स बनाने हैं तो मैं इस नोट को कहीं भी क्लिक करूँगा तो ये नोट आ जाएगा इसमें राइट क्लिक करके एड कमेंट कर सकता हूँ और जो कमेंट है वो मेरा यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिखा हुआ आ जाएगा तो दट्स हाउ यू एनोटेट एनी पी डी एफ डॉक्यूमेंट इन वंडर शेयर पीडीएफ एलिमेंट नंबर दो पे है यू कैन एडिट एनी पी डी एफ डॉक्यूमेंट उसको करने के लिए आपको फिर से कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट ओपन करना है या फिर ऑलरेडी ओपन किए गए डॉक्यूमेंट पर जाना है और यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है एंड देर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शन यू कैन डू यू कैन क्लिक ऑन एडिट ऑल टैक्स इमेज और लिंक यू कैन एड टेक्स्ट एड इमेज या एड लिंक यू कैन ऑल्सो एड योर वाटर मार्क हेयर यू कैन ऑल्सो एड एनी बैकग्राउंड हेडर एंड फूटर और मोर पर जाकर पेज नंबर एंड बेच नंबर भी आप ऐड कर सकते हैं तो मैं आपको एक इमेज एडिट करके दिखाता हूँ इसके अंदर नोलेट से मुझे यहाँ पर कोई एक इमेज एडिट करनी है तो आई विल सिंपली क्लिक ऑन ऐड इमेज यहाँ से मैं कोई भी एक इमेज चूज कर लूँगा यहाँ पर मैं ड्रॉप कर दूंगा यहाँ से मैं ड्रैग करके इसको एडजस्ट कर सकता हूँ आई कैन ऑलसो क्रॉप इट इफ आई वॉन्ट टू इफ आई वॉन्ट टू एड द टैक्स तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा एड टैक्स पर एंड सिंपली यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा और इसके बाद मैं टैक्स एड कर सकता हूँ हाई दिस इज़ अ टैक्स और इसके बाद मैं टैक्स को कहीं भी मूव कर सकता हूँ इफ आई वॉन्ट टू एडिट स्पेसिफिक टैक्स तो मैं एडिट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर टैक्स पर जाऊँगा और मुझे मान लो इसको एडिट करना है तो मैं यहाँ से सिंपली इसको डिलीट कर सकता हूँ इस पूरी हेडलाइन हाँ को मैं एक्चुअली डिलीट कर सकता हूँ मैं सिलेक्ट कंट्रोल ए से डिलीट किया एंड दिस इज हाउ आई कैन एडिट एनी टेक्स्ट नाउ व्हाट इफ आई वांट टू ऐड अ लिंक हेयर तो उसके लिए मैं सिंपली एड लिंक पर क्लिक करूँगा और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर दूँगा एरिया को और यहाँ पर मैं अपना कोई भी एक लिंक ऐड कर सकता हूँ मैं किसी भी पेज पर जंप करवा सकता हूँ या फिर मैं एक यू को ओपन करवा सकता हूँ या फिर मैं किसी भी फाइल को ओपन करवा सकता हूँ अभी के लिए हम यू आर सेलेक्ट करेंगे एंड आई विल एंटर माई इंस्टाग्राम अकाउंट और यहाँ पर सिंपली अप्लाई पर क्लिक करना है नाउ दिस इज अ क्लिकेबल लिंक अब कोई भी पीडीएफ ओपन करके इस पर क्लिक करेगा तो इट विल डायरेक्टली टेक मी टू द इंस्टाग्राम नंबर तीन पर है यू कैन कन्वर्ट पीडीएफ डॉक्यूमेंट इनटू नंबर ऑफ डिफरेंट फॉरमेट फॉर एग्जांपल मुझे इस पीडीएफ डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करना है तो आई विल सिंपली क्लिक ऑन कन्वर्ट एंड देर आर डिफरेंट ऑप्शन लाइक आई कैन कन्वर्ट इट टू वर्ड एक्सेल में कर सकता हूँ पीपीटी में कर सकता हूँ इमेज के अंदर कर सकता हूँ टेक्स्ट में कर सकता हूँ मोर पर जाकर यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस वर्ड डॉक्यूमेंट मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा ये मुझे पूछ रहा है कि ड यू वॉन्ट टू सेव इट तो बिफर दैट वट आई विल डू इज आई विल क्लिक ऑन फाइल मैं इसको सेव एज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं इसको लिख दूंगा एडिटेड नाउ आई कैन ईजिली चेंज इज टू वर्ल्ड डॉक्यूमेंट बस यहाँ पर मुझे वर्ल्ड पे क्लिक करना है आउटपुट फॉर्मेट सिलेक्टेड है आउटपुट फोल्डर में मुझे सेव टू सोर्स फोल्डर पे क्लिक करना है और फाइल नेम पे यहाँ पर एज इट इज फाइल नेम डाल सकता हूँ या फिर मैं इसको चेंज कर सकता हूँ दिस इज अन्वर्टेड डॉक और इसको मैं ओके okay कर दूंगा इट विल टेक थर्टी टू फोर्टी सेकेंड और यह मेरे पूरी पी डी एफ डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर देगा एक वर्ड फॉरमेट के अंदर इट्स दन मैं ओपन फोल्डर पर क्लिक करता हूँ एंड दिस इज माई वर्ल्ड डॉक्यूमेंट डबल क्लिक करके ओपन करते हैं सी जो भी एडिट किया था हमने वो एज इट इज़ इसने कन्वर्ट कर दिया है एंड एज इट इज़ हमको शो कर दिया है जो हमारे नोट्स वगैरह थे वो एज इट इज़ इसमें आ गए हैं एंड नाउ आई कैन एडिट एनी थिंग हेयर इसने पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है वो प्रिर्व करके रखा है मेरे लिए यहाँ पर इमेज भी आ गई है नंबर चार पर एक बहुत ही कुल फीचर एंड दिस इज ए आई पावर्ड ना मेरे पास में एक रिसर्च पेपर ओपन हो रखा है और मैं चाहता हूँ कि रिसर्च पेपर को मैं समराइज करवा सकूँ और मेरा मन नहीं है इतना बड़ा रिसर्च पेपर पढ़ने का वट आई कैन डू इज मैं पी डी एफ एलिमेंट के ए आई फीचर का इस्तेमाल कर सकता हूँ जो कि यह समराइज विद ए आई तो उसके लिए मुझे क्या करना है सिंपली यहाँ पर साइड में ए आई साइड बार पे क्लिक करना है यहाँ पर मेरे पास में ऑप्शन आ जाएगा एंड यहाँ पर समराइज पी डी एफ पर क्लिक कर देना है और देखते ही देखते ही, मुझे पूरा रिसर्च पेपर पढ़कर समराइज कर देगा एंड उसके बाद में मैं इससे क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ फॉर एजाम्पल इसने मुझे कुछ क्वेश्चन सजेस्ट भी कर दिए हैं अब मुझे मान लो ये वाला क्वेश्चन पूछना है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा एंड इट विल स्टार्ट गिविंग मी आंसर डायरेक्टली फ्रॉम द पीडीएफ डॉक्यूमेंट इमेजिन दिस कि ये कितना सारा टाइम बचाएगा आपकी रिसर्च के अंदर यू डोंट हैव एनी टाइम टू रीड हंड्रेड ऑफ पेजेस बैक टू बैक दिस इज वेयर यू कैन यूज द टू इट्स बेस्ट एन अर कुल एस इसकी मैं पीडीएफ से चैट कर सकता हूँ फॉर एक्जाम्पल आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड अ स्पेसिफिक पार्ट लाइक डायनामिक कन्वर्जनल एक्सप्रेशन तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर मैं पेश कर लूंगा कैन यू एक्सप्लेन मोर और एंटर करूंगा एंड जस्ट लाइक एनी ए चैट बुट ये मुझे डायरेक्टली एक्सप्लेन करना शुरू कर देगा जो भी मैं टॉपिक इससे समझना चाहता हूं और इसी तरह से चैट कर करके मैं इसे चीजें समझ सकता हूं इससे मैं पढ़ सकता हूं एंड आई कैन ऑल्सो स्विच टू दिस चैट विद एआई वाला फीचर एंड आई कैन डायरेक्टली आस्क एनी क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि डायनामिक पेटेंट मॉडलिंग एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स एंटर करूंगा ना इसने क्या किया कि मेरे जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक था उसको एकदम आसान भाषा में समझा दिया मुझे यानी कि आपको पीडीएफ एलिमेंट से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है फीचर नंबर सिक्स इज द कूलेट ये है ट्रांसलेट विद एआई उसके लिए मुझे डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करना है ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पर पहले नंबर की लैंग्वेज जो है सोर्स लैंग्वेज होगी और दूसरे नंबर पर ट्रांसलेटेड लैंग्वेज तो मुझे मान लो कुछ हिंदी में ट्रांसलेट करवाना है ऑल आई कैन डू इज पहले मैं जूम ही नहीं कर लेता हूँ थोड़ा सा आई कैन सिंपली सेलेक्ट दिस यहाँ तक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये सिलेक्टेड वर्ड यहाँ पर आ जाएगा एंड रियल टाइम में मुझे ट्रांसलेट करके दे देगा हिंदी के अंदर तो अगर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स इंग्लिश लिखी भी हुई है तो मेरे सामने उसका हिंदी अनुवाद आ जाएगा जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज है पहले क्या होता था पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स ओपन करके आपको बार बार गूगल ट्रांसलेट पर जाकर ट्रांसलेट करवाना पड़ता था लेकिन अब एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रांसलेट समराइज एडिट कमेंट सब कुछ अवेलेबल है अभी चार फीचर्स और भी पड़े हैं और बहुत मजेदार फीचर्स है बिफोर वी डाइव डाइविंग टू फीचर्स मैं आपको दिखा देता हूँ वेयर पीडीएफ एलिमेंट आपको डाउनलोड कैसे करना है वरशियर पीडीएफ एलिमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और प्रिंट कमेंट में देखने को मिल जाएगा आपको उस पर क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो खुल जाएगी इस सॉफ्टवेयर को आप विंडोज मैक ओएस आईओ या फिर Android के लिए डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने के लिए आपको जस्ट सिंपली फ्री डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है ये आपको डाउनलोड पेज पर ले जाएगा एंड डायरेक्टली आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी डाउनलोड करने के बाद में आपका होम पेज कुछ इस तरह से खुलेगा आपको इस बटन पर क्लिक करके सिंपली अपने गूगल अकाउंट से साइन अप कर लेना है एंड इस तरह से कोई भी पीडीएफ को आप एडिट कर सकते हैं बड़ी इजीली। अब चलते हैं हमारे सातवें फीचर पे और ये है कंबाइन पीडीएफ वाला फीचर और इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए आपको सिंपली पर टूल्स वाले पार्ट पर जाना है एंड यहाँ पर कंबाइन का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है यहाँ पर एक फाइल ऑलरेडी अपलोडेड है आपको दूसरी फाइल ऐड करनी है यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एड कर देता हूँ ये दोनों फाइल्स एड हो चुकी है यहाँ से मैं फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ कंबाइंड फाइल और यहाँ से मैं सोर्स फोल्डर को भी चेंज कर सकता हूँ अगर मुझे फाइल का प्रिव्यू चाहिए तो मैं प्रिव्यू पे क्लिक करूंगा ये मेरी पुरानी फाइल है और जो लास्ट में मैंने पेज ऐड किया है वो कुछ इस तरह से दिखता है बैक टू मॉडिफाई पे क्लिक करूंगा जस्ट सिंपली क्लिक ऑन अप्लाई मेरी पीडीएफ फाइल एडिट हो चुकी है और लास्ट में जो पीडीएफ फॉर्म है वो कुछ इस तरह से आ गया है आठें नंबर पे है कम्प्रेस एनी पीडीएफ डॉक्यूमेंट फॉर एक्जाम्पल आपको अपना कोई फॉर्म अपलोड करना है कहीं पर और फॉर्म का जो साइज है वो काफी बड़ा हो रहा है या फिर कोाइल अपलोड करनी है किसी वेबसाइट पर साइट जो है काफी बड़ा हो रहा है तो उसके लिए आपको पीडीएफ कम्प्रेस करनी पड़ेगी नाव विद वर्यर पीडीएफ एलिमेंट आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं पीडीएफ फाइल ओपन करके आपको टूल्स पर जाना है यहाँ पर कॉम्प्रेस का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है अब आपको कम्प्रेसन कैसा चाहिए वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है सबसे पहले मैं फाइल सेलेक्ट करूंगा यहाँ से मैं इसको मीडियम कर दूंगा और बस मुझे पे क्लिक करना है। फाइल कंप्रेस हो चुकी है ओपन फोल्डर पे क्लिक करके देखते हैं पुरानी फाइल का था, के भी, और राइट साइड ऑलमोस्ट जो है आधा हो चुका है नौवे नंबर पर है प्रोटेक्ट एनी पीडीएफ डॉक्यूमेंट इस फीचर का इस्तेमाल करके आप अपने पासवर्ड लगा सकते हैं और सिर्फ वही ओपन कर पाएगा जिसको पासवर्ड पता होगा इसको करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर प्रोटेक्ट वाले बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर एनक्रिप्ट क्लिक कर देना है उसके बाद हम सिंपली ओपन पासवर्ड वाले पे क्लिक करेंगे यहां पर एक पासवर्ड डाल देंगे जैसे मैं डालता हूं मैंने पर निष्काम भाटिया पासवर्ड डाल दिया इसको मैं सेव कर लेता हूं। अब इस फाइल को मैं सेव एज कर लेता हूं और इसको मैं यहां पर प्रोटेक्टेड नाम दे दूंगा ताकि मुझे पता लग जाए डॉक्यूमेंट्स में जाऊंगा मैं प्रोटेक्टेड फाइल है मेरे पास में अब ये मेरे से पासवर्ड मांग रहा है अब जब मैं पासवर्ड डालूंगा सही तभी ये मेरी फाइल को ओपन करेगा और ये जो आखिरी फीचर है ये स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फीचर है एज अ स्टूडेंट हम लोगों को बहुत सारे फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन सिग्नेचर करने में लेकिन वंडर पीडीएफ एलिमेंट के साथ में ये भी बहुत आसान हो चुका है मेरे सामने ये फॉर्म ओपन है अगर मुझे यहाँ पर सिग्नेचर करने है तो आई सिंपली हैव टू क्लिक ऑन कमेंट उसके बाद यहाँ पर पेन वाला आइकन है इस पर क्लिक करूंगा और ये क्रिएट सिग्नेचर का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर दूंगा नाउ अब मेरे पास में तीन ऑप्शन है आइदर आई कैन अपलोड माई फोटोग्राफ हयर जो मैंने सेंड किया वो उसकी फोटो अपलोड कर सकता हूँ या फिर मैं खुद का सिग्नेचर ड्रॉ कर सकता हूँ या फिर मैं खुद का सिग्नेचर टाइप कर सकता हूँ तो अभी के लिए मैं अपना खुद का सिग्नेचर ड्रॉ करूंगा और यहाँ से पॉइंट जो है कम कर लूँगा ब्लैक सेलेक्टेड है आई विल सिंपली टाइप माई इनिशियल्स और इसको मैं ओके okay कर दूंगा नाउ मेरा सिग्नेचर आ चुका है अब मुझे जहां भी सिग्नेचर करना है उस पर ले जाकर इसको सिंपली क्लिक करके ड्रॉप कर देना है इसका साइज में बड़ा या छोटा कर सकता हूँ कुछ इस तरह से और मेरे फॉर्म के अंदर सिग्नेचर हो चुके हैं इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ दस फीचर ही बता पाया लेकिन इसमें इतने सारे फीचर छुपे हुए हैं यू कांट इवन इमेजिन ये आपको गो टू प्रोडक्टिविटी टूल बन सकता है टू टू गेट स्टार्टेड विद पीडीएफ एलिमेंट ऑल यू नीड डू इज क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन या फिर पिंक कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा यू विल फाइंड अ डिटेल इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू डाउनलोड इंस्टॉल एंड इंपोर्ट योर पीडीएफ फाइल्स और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट है, तो डोंट मिस चांस। डाउनलोड वेर पीडीएफ एलिमेंट नाउ आज की वीडियो के लिए इतना ही मेरा नाम है नामिया मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार